हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जात्यादी तेल के बारे में। ये उत्पाद है डाबर इंडिया लिमिटेड का। प्राइस की बात करें तो 50 ml की ये बोतल आती है 120 रुपये में। दोस्तों, जात्यादी तेल में मौजूद इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें है नील कमल, पटोल पत्र, करंज पत्र, मोम, दारू हल्दी, नीला थोता और करंज के बीज। दोस्तों, ये तेल आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा बवासीर से लेकर कई प्रकार के त्वचा रोगों को ठीक करने के लिए दिया जाता है। ये तेल बवासीर के कारण होने वाली असुविधा, जलन, सूजन, दर्द और खुजली को दूर करता है। इसके अलावा फीसर की समस्या में भी ये तेल डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, ये तेल घाव बढ़ने की प्रक्रिया को तेज़ करता है। जलने, कटने और घाव को भरने के लिए भी जात्यादी तेल ज़बरदस्त इफेक्टिव है। दोस्तों, जात्यादी तेल में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं, इसलिए स्किन संबंधी समस्याओं जैसे दाद, खाद और खुजली को भी दूर करता है। दोस्तों, अगर बात करें जात्यादी तेल को कैसे यूज करना है तो ये बहुत गाढ़ा होता है, इसलिए इसको इस्तेमाल करने का तरीका आसान है। आप इसे कॉटन की सहायता से भी लगा सकते हैं और उंगली की सहायता से भी लगा सकते हैं। आप इसे घाव पर या कहीं पर भी लगाने से पहले आप अपने हाथों को साबुन से अच्छे से धो लें ताकि इन्फेक्शन ना हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसका इस्तेमाल बवासीर में करते हैं तो फिर सावधानी से करें। अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स की समस्या है तो इसका इस्तेमाल करने से पहले आप आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लें, और अगर फीसर का घाव गहरा है तो फिर आप इसका यूज नहीं करें। दोस्तों, अगर जात्यादी तेल से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो आयुर्वेदिक होने के कारण इसका कोई भी ज्ञात साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन कभी कभार इसको लगाने से जलन या फिर खुजली की समस्या हो सकती है। अगर आपको इसे यूज करने से कोई विपरीत परिणाम दिखता है तो आप इसका इस्तेमाल बंद करें और डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेडिसिन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हम आप तक पहुँचा सकें।